थोड़ा सा घूमने, थोड़ा सा आउटिंग करने। तो यहाँ विंटर्स में हम घूम रहे हैं मॉल में। मेरे साथ पापा है, चैतन्या है, और आपको बताते हैं कौन कौन है, तो आप वेट कीजिए। देखिए सामने है पापा। तो फ्रेंड ये हैं पापा और हम पहुंच चुके हैं मॉल में, और पूरी फैमिली का गेट टुगेदर होने वाला है, फूड रिव्यू होने वाला है, ढेर सारा फन होने वाला है। और ये देखिए कितनी भीड़ है, इतनी भी ठंड में भी ना लोगों को चैन नहीं है, सब घूम रहे हैं और हम भी घूम रहे हैं। और आज है मंडे का दिन, और मंडे के दिन भी देखो कितना रश है। ये है पैसिफिक मॉल सुभाष नगर का। तो बच्चों को कराने वाले हैं खूब सारी राइड्स। ये है पैसिफिक मॉल सुभाष नगर का, तो यहाँ पे हम कराएंगे बच्चों को ढेर सारी फन राइड्स। तो चलिए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों ये है फंकी आइसलैंड, तो ये है पैसिफिक मॉल सुभाष नगर का। और यहाँ पे देखो एक टैंक है, काफ़ी सारी एक्टिविटी है यहाँ पे करने के लिए। अभी यहाँ पे ना थोड़ी कम भीड़ नज़र आ रही है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, 9 से 9:30 बजे जब बज चुके हैं, तो लोग आधे निकल भी गए हैं। तो अच्छा ही है, थोड़ा बहुत स्पेस बच्चों को खेलने के लिए मिल गया, यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं इन्जॉय। और ये देखिए ये है टॉय। बस आज तक यार मैंने कभी भी ये इस चीज़ से कोई भी टॉय या कोई भी गिफ्ट मैं नहीं निकाल पाई हूँ। और ये है बाहुबली जी के आर्म की ताकत का नज़रिया, और ये है क्यूट सी सबमरीन, और इसमें बैठी है क्यूट सी बेबी। तो ये जो बेबी है ये है अमानत, और ये है नैना की भतीजी, और बहुत ही क्यूट ये बेबी है, इसको भी इंजॉय कर रहे हैं। और हम आज पूरा फैमिली का डे कर रहे हैं। चैतन्या, यशिका की, यशिका मतलब नैना की बेटी, और एक और बेटी जो हमारी है, और मेरे हस्बैंड। देखो मैं यहाँ पे फ्री में खड़ी हुई हूँ अभी खाली, और नैना भी मेरे साथ है। तो बच्चे गए हुए एडवेंचर अंदर, एडवेंचर कोई मूवी है, ये क्या है, 3D मूवी वगैरह जो होती है वो होती है। देखो ये आज तक भी मैंने कभी विन नहीं किया, मेरा इतना मन है कि मैं कभी भी लकी ड्रॉ से ये जीत पाऊँ। और ये बच्चे आ चुके हैं, तो ये बच्चे आए हैं राइड करके, बहुत मज़ा आया। तो ये 3-4 लोग हो गए हमारी गैंग में। मेरी जो भी चॉइस है वो मेरी ही है, तो सबको मज़ा आया, तो आए मेरे और राइड यहाँ चल रही है। तो बच्चे कर रहे हैं पूरा फन। अमानत, अमानत ये छोटी सी गुड़िया। तो फ्रेंड यहाँ पे सारे बच्चे कर रहे हैं मस्ती, और ये है गुरप्रीत नैना की भाभी, और हम आए हुए सबके सब क्योंकि है आज यशिका का बर्थडे। और अम्मू यही, अम्मू इतनी अपनी जिंदगी में कभी मज़ा नहीं आया जितना जितना आज आ रहा है। आपकी जैकेट कहाँ है? पापा के पास है। पापा इज माय कोट हैंगर। तो फ्रेंड अब बच्चे जा रहे हैं कार राइड पे, अब देखने वाले हैं यहाँ पापा भी बैठ गए क्योंकि जो नैना की बेटी है उसे डर लग रहा था, तो साथ में पापा बैठ गए हैं चैतन्या के, और अब करने वाले हैं ये मज़े। तो अब देखते हैं राइड में कौन जीतता है। रीना जी आज किसका फूड रिव्यू है? आज हम कर रहे हैं पंजाब ग्रिल। ये है चैतन्या मेरे साथ, और आप सबके लिए एक और सरप्राइज है जो आपको अंदर मिलेगा, आ जाओ। तो फ्रेंड आज मैं आई हूँ नैना के साथ, और पूरी हमारी फैमिली सब गेट टुगेदर कर रहे हैं कि स्पेशल डे है, यशिका का बर्थडे है, तो हम लोग
आज यहाँ पार्टी कर रहे हैं और मंगाया है हमने सॉलिड सॉलिड फूड, तो हम सब यहाँ पे आज खाएंगे, है ना नैना? यस। आज हम लोगों की डाइट देखना, हम नैना कितना खाती है, कितना खाती है, सब ब्लॉग में देखना ब्लॉग में देखना। और ये रही हमारी चुईया जिसका बर्थडे है। हेलो बर्थडे गर्ल, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हैप्पी बर्थडे गर्ल का आ गया है केक। ओए हाय, इधर तो देखो बर्थडे गर्ल, तो देखो शर्म आ रही है, ये आया है बर्थडे गर्ल का केक। यशु आपका केक आ गया, शर्म आ रही है यशिका का बर्थडे केक, शर्म आ रही है, वो शर्म आ रही है, अच्छा शर्म आ रही है उसको। यश का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे यशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फ्रेंड आज यशिका का बर्थडे है, तो हमने पंजाब ग्रिल में बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया यशिका का। और यशिका जो है बहुत शाय गर्ल है, तो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, ये देखो कैसे चेयर में घुसी जा रही, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अनकन्वीनियंट हो रहा था ना, इसलिए ज़्यादा अपनी खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, छोटा बच्चा है ना अभी। और यहाँ नैना और मेरी बेटी में चल रही है केक की होली, तो अब जल्दी से हम अपना फूड ऑर्डर करते हैं, फूड भी अब आने लगा है हमारा। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑर्डर आया है, ये स्नैक्स में है, ये है मसाला पापड़। यहाँ पर सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाली हूँ मसाला पापड़, आके देखते हैं। अच्छा है, पापड़ वाला फ्लेवर नहीं है, अच्छा है। वो थोड़ा स्पाइसी ज्यादा होता है ना, मसाला ज्यादा होता है ना। आप बताओ, बहुत अच्छा है, वेरी टेस्टी। यशु पिज्जा, बहुत टेस्टी है। बर्थडे गर्ल का भी रिव्यू ले लो, बर्थडे गर्ल खा रही है। बर्थडे गर्ल बताओ कैसा लग रहा है, बताओ उधर देखो, तुम्हें देखिए बोला वेरी नाइस, नहीं चलो मारे वीडियो देखोगे अगर शॉप से देखे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आ गए हैं तवा टाइगर प्रॉन्स, तो यहाँ आज हम प्रॉन्स भी खाने वाले हैं, ये है टाइगर तवा प्रॉन्स। तो ये भैया ने ऑर्डर किया है, नैना के हस्बैंड ने, तो आज देखते हैं उनकी चॉइस कैसी है टेस्ट में। अब पापा तो वेजिटेरियन है, तो वो अपने वेज का वेट करेंगे, वो फिश प्रॉन्स वगैरह में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। और यशु खा रही है अपनी फेवरेट चीज़, है ना। फ्रेंड आज इस टाइगर को हम खा के देखते हैं ये कैसा टाइगर है, इस टाइगर की पूंछ भी है देखो कैसी है। दिखने में तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है अंदर से, उसका फ्लेवर देखते हैं। पनीर टिक्का मिलता है, ये वो वाला नहीं है, छोटा था ये बिग वाला, अभी देखना है ना। जो नॉर्मल स्मॉल ब्राउन होते हैं उनसे का बहुत डिफरेंट ही फ्लेवर है इसका, सेम नहीं है। पहले तो फर्स्ट टाइम इसका टेस्ट आ रहा है।
नॉर्मल प्राउन्स बहुत बेटर है, थोड़ा स्वीट होता है, ये थोड़ा स्वीट होता है बट ये थोड़ा अलग है टाइप का है। पूरा फ्रेश है, फ्रेश नो डाउट है, अच्छे से कुक भी है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही सॉफ्ट कर दिया है, पूरा परफेक्ट है टेस्ट है इसका। हाँ जी आप बताइए। वेरी 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 बढ़िया, एक नंबर, बहुत बढ़िया। थोड़ी चटनी ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं नींबू डाल रही हूँ और ये रहा सैलेड, तो सैलेड भी यहाँ है और ये है मटन, तो काफ़ी सारी वैरायटी है, ये है फिश, तो ये है अमृतसरी फिश है, ये इसका भी टेस्ट करेंगे कि कैसा है, और काफ़ी सारा ऑर्डर किया है और दिखने में तो बहुत टेम्पटेटिंग। तो फ्रेंड हम टेस्ट करने वाले हो, ये फिश फ्राइड फिश है, मुल्तानी फिश है, और ये देखो कितनी जूसी अंदर से, इसमें तो ऑब्वियसली मज़ा आने वाला है मुझे बहुत ज़्यादा। चिकन मुल्तानी है नहीं, फिश है अमृतसरी, अमृतसरी बिल्कुल क्रंची है, अंदर से जूसी है, और जो फिश का मीट है ऑसम, बिल्कुल फ्रेश लग रही है, यानी टोटली फ्रेश है, फ्रेश है, टेस्टी है, क्रंच है, फ्लेवरफुल है, फॉर लॉन्ड मार्क अच्छी है, बढ़िया। मैं आप बताओ, बहुत बढ़िया। चाट मसाला। तो फ्रेंड ये आ गया है मटन, कौन सा मटन था आपने, ये है रान ए सिकंदरी, तो रान का जो पीस होता है उसी का ये बना हुआ है, मटन का स्पेशल स्टार्टर है, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा होने वाला है। तो ये है मटन, पहले मैं इसको थोड़ा कट करके देखती हूँ, ये है मटन, इसको टेस्ट करते हैं, देखो सूखा भुना हुआ मटन जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल इसका टेस्ट है फ्रेश, यम मटन का टेस्ट, पूरा टेस्ट है, बोल ऑन, मेरी आंखों में स्वाद दिख रहा होगा, आंखों में, मेरी आंखों में दिख रहा होगा, जब मटन का अच्छा पीस मिलता है तो कैसा लगता है। गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। यहाँ पे है पनीर टिक्का, तो ये मैं टेस्ट करके खाती हूँ, तो फ्रेंड यहाँ आए हैं मशरूम, और ये है वेज आइटम, वेज लोगों के लिए, तो अब ये खा के दिखाएंगे कि कैसा है इनका वेज आइटम। तो पापा कैसा लग रहा है आपको मशरूम, कैसा फ्लेवर लगा, ये एकदम फ्रेश और एकदम अंदर से एकदम टफी और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया, यानी सबसे बड़ी चीज़ हम ना होटल में एक ही चीज़ देखते हैं कि चीज़ ना फ्रेश होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए, स्वाद जो फ्रेश में आ रहा तो स्वाद वहीं बढ़ जाता है, और फिर उनके जो वो है मसाले है वो एकदम लोस में है, यानी कि ना ज़्यादा आपको मिर्च लगेगी ना वो बीच में रहेगा, मज़ा आया इसके, और इसके अंदर स्टफिंग करी हुई है। गाइस मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ दिखाती हूँ, ये हमारे गार्निश में आया था पर ये ऑरेंज था, ऑरेंज, यहाँ पे दो दो बच्चे मशरूम खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं। तो फ्रेंड पेट पूजा हमारी हो चुकी है, हमने पूरा अच्छे से खा लिया है, अब हम काम दूजा नहीं करने जा रहे हैं, हम रिव्यू दे रहे हैं कि यहाँ का फूड बहुत ही अच्छा था, हाइजीनिक था, खाने में मज़ा आया, और नैना का तो फेवरेट हो गया है ना, फेवरेट, जो भी सी फूड लवर्स हैं मोस्ट वेलकम है, आप यहाँ आएँ,
और यहाँ का टेस्टी सी फूड को एंजॉय करें। बट सी फूड अच्छा था, जो सी फूड लवर हैं यहाँ आएँ, फूड एंजॉय करें, खाना एंजॉय करें।